क्यों हुआ, कैसा परेशान है? हाँ? क्या? कुछ नहीं यार, मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों? पता है सब मुझे मोटा मोटा बोलते हैं, तो मैं सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ अच्छी बात है, कर ले। क्या कर ले, सुबह सुबह कौन उठेगा? ये भी बात है तेरी, चल लैंड फिर मत कर। लेकिन नहीं यार, अगले महीने तुम्हारे दोस्त की शादी भी है, शादी में भी तो जाना है। हाँ कर ले फिर, कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं ना, एक महीने में कैसे पतली हो जाऊंगी मैं? अगले महीने तो शादी है, कम से कम पतला होने के लिए भी तो 3 महीने चाहिए होते हैं। हाँ ये भी बात तेरी सही है, रहन दे टाल का। नहीं मेरी बुरी बात तो सुनो, क्या खाने में लग रहे हो? अगर मैं जिम ज्वाइन करती हूँ ठीक है, तो मैं और ज्यादा फिट हो जाऊंगी, क्योंकि तुम इतने फिट हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, मैं अच्छी नहीं लगती, तो मैं सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ। हाँ तो कर ले, कर ले, जा। लेकिन नहीं, फिर मैं ज्यादा पतली और स्मार्ट हो जाऊंगी, फिर तुम अच्छे नहीं लगोगे यार, फिर तुम्हारी सोच के मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, तो मैं सोच रही रहने ही देती हूँ। हाँ टाल कर। पर पता है क्या, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ना, वो मुझे मोटा मोटा बोलने लगे हैं, कह रहे कि तू मोटी हो गई है, तो ये सोच के मैं सोच रही हूँ कि यार काम करती हूँ, कर ही लेती हूँ, कम से कम थोड़ी पतली तो हो जाऊंगी। कर ले, वैसे मोटी हो रही है तू। तो मुझे मोटा कह रहे, तू ही तो करी जिम करने की। तो वो मैं कह रही थी ना, मैं तुमसे पूछने आई थी, तुम तो मुझे इनडायरेक्ट में मोटा कह रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटा कहने की? मतलब तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मोटा कह रहे हो, मतलब तुमने बाहर कोई पतली लड़की बटा रखी होगी, इसीलिए ना तुम चाहते हो मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। अब नहीं करूंगी, और ये छोड़ो तुम, ये सब कुछ मैं ही खाऊंगी। उधर हो तुम। बदतमीज से तुम चाहते ही हो, इसीलिए तो मैं बोलूँ, तुम मेरे पे ध्यान ही नहीं देते, सही नहीं हो रही मैं मोटी, पूरा दिन खाते रहते हो, मुझे खाने को भी नहीं देते। मैं खाऊंगी, मैं जिम भी नहीं जाऊंगी, जिसे कहना है मोटा कहने दो मुझे, ऐसे थोड़ी होता है, खाऊं भी ना मैं। और लेकर आऊंगी सारा, मैं ही खाऊंगी। अनपढ़ मिली मोटी भैंस, राम बतेरी कहीं की, बस न चला टांग देता सूली पे आज वरना। क्या कह रहे हो? कुछ ना, ऐसी ठीक है तू?